तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का जो वाकया है बहुत ही खूबसूरत वाकया है। वाकया एक्चुअली क्या है कि जो जन्नत में क्या इंसान शादी कर सकता है दोबारा, और अपने पति अपने पत्नी से क्या मिल सकता है, मतलब अपने शौहर अपने जो बीवी से वापस मिल सकता है, उस तो उनके बारे में जानेंगे। बहुत ही खूबसूरत वाकया है। तो चले चले स्टार्ट करते हैं बिना किसी वकवास के। तो अभी जो मेरे नए चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा के रख देना, क्योंकि इसी तरह का मैं जब भी कोई वीडियो लेके आऊँगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप लोग का प्यार सपोर्ट बढ़ाते रहना। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आया जन्नत में भी मर्दों और औरतों में जिंसी अमल होगा जैसे दुनिया में होता है? मतलब ये कि क्या जन्नत में भी मियां बीवी को हमबिस्तरी की ख्वाहिश पूरी हुआ करेगी, और क्या जन्नत में मियां बीवी के यहाँ बच्चे पैदा होंगे? इसके अलावा ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि मर्द को अगर जन्नत में हूरें मिलेंगी तो फिर औरत को क्या मिलेगा, और हूरों के सामने उस औरत की क्या हैसियत होगी जो दुनिया में मर्द की बीवी रह चुकी होगी। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी, और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी, और अल्लाह ताला उस औरत को उन सब से हसीन और जमील बनाएंगे, और वो मियां बीवी आपस में टूटकर मोहब्बत करने वाले होंगे। और अगर दुनिया में औरत के मुतअद्दिद शौहर हों, यानी औरत ने अपने शौहर के इंतकाल या तलाक देने के बाद दूसरी शादी कर दी हो, यानी उस औरत ने दो या इससे ज्यादा शादियां की हों, तो ऐसी सूरत में सवाल किया जाता है कि ये औरत जन्नत में अपने किस शौहर के साथ रहेगी। तो इस बारे में अहादीस की रोशनी में मुख्तलिफ अकवाल हैं। एक कौल ये है कि इस औरत को इख्तियार दिया जाएगा कि जिसके साथ उसकी ज्यादा मवाफिकत हो उसको इख्तियार कर ले। एक कौल है कि वो औरत आखिरी शौहर के साथ रहेगी। जैसा कि हजरत अबू दुर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को उसका आखिरी शौहर मिलेगा। इसके अलावा एक कौल ये भी है कि औरत उस शौहर के साथ रहेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे इखलाक का बर्ताव किया हो, और वो शौहर जिसने औरत पर जुल्म किया होगा, उसको तंग किया होगा, वो उस औरत से महरूम रहेगा। इस हवाले से ये हदीस मुलाहिजा फरमाएं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत में है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से पूछा कि किसी के दो शौहर हों तो वो जन्नत में किसके साथ रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इख्तियार दिया जाएगा, बस वो उस शौहर को इख्तियार करेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया हो, और वही उसका जन्नत में शौहर होगा। ऐ उम्मे सलमा, अच्छे अखलाक वाले दुनिया और आखिरत की भलाई ले गए। बाज रिवायात में ये बात भी मिलती है कि अगर सब शौहर हुस्न खल्क में बराबर हों तो आखिरी शौहर को मिलेगी, वरना उसे इख्तियार दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा एक सवाल ये भी किया जाता है कि अगर औरत कुंवारी हो, यानी उसकी शादी से पहले ही उसका इंतकाल हो गया हो, या शादीशुदा तो हो लेकिन उसका शौहर जन्नती न हो, तो जन्नत में जिस मर्द को भी वो पसंद करेगी उसके साथ उसका निकाह हो जाएगा, और अगर मौजूदा लोगों में किसी को भी पसंद न करे तो अल्लाह ताला उसके लिए एक मर्द जन्नत में पैदा फरमाएंगे जो उसके साथ निकाह करेगा। दोस्तों, मालूम हुआ कि जहां मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने हूरें पैदा फरमाई हैं, वहीं औरतों के लिए जन्नत में मर्द भी पैदा किए जाएंगे। अलबत्ता दुनिया की औरत हूरों पर सरदार होगी, और उसकी हैसियत के हवाले से फरमाया गया कि उसकी हैसियत मर्द के लिए अंदर के कपड़े की होगी और हूरों की बाहर के कपड़े की, और जन्नत की औरत को जो खूबसूरती मिलेगी वो हूरों से ज्यादा मिलेगी। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं जन्नत में हमबिस्तरी के हवाले से, यानी क्या जन्नती मर्द हूरों के साथ हमबिस्तरी करेंगे। तो अर्ज है कि मुतअद्दिद नुसूस से पता चलता है कि जन्नत की नेमतों में से ये भी है कि मर्दों को अल्लाह ताला हूरों से शादी करा देगा और अहले जन्नत उनसे जमा करेंगे। जैसा कि सूरह तूर में इरशाद बारी ताला है, वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और हमने उनके निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दिए हैं। इसी तरह एक और जगह सूरह यासीन में इरशाद है, इन्ना अस्हाबल जन्नत अल्यौम फी शुगलिन फाकिहून, जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश होंगे। अहले इल्म ने जन्नती मशगलों से मुराद कुवारियों के पास जाना लिया है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुतअद्दिद फरामीन से भी ये बात वाज़ेह है कि अहले जन्नत हूरों से जमा करेंगे और हर जन्नती जोड़े के साथ होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जन्नत में कोई बगैर जोड़े के ना होगा। इसी तरह एक और हदीस में है कि जन्नती जब अपनी बीवियों से सोहबत कर लेंगे तो वो फिर से कंवारी जैसी हो जाएंगी।
एक और हदीस में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि क्या हम जन्नत में जमा भी करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, खूब जोश से सोहबत करेंगे, जब खड़े होंगे तो वो हूर खुद पाक और बाकिरा हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जन्नत पाकीज़ा जगह है और यहाँ पर अल्लाह ताला ने इंसान की ख्वाहिशात की तकमील के लिए ये अमल तो रखा है, लेकिन इसमें गंदगी ना होगी। जैसा कि आपने मुलाहिजा किया कि जैसे ही ये खड़े होंगे तो पाक साफ और पहले जैसे होंगे, गुस्ल की हाजत वगैरह ना होगी। सुभान अल्लाह, ये सब रब ताला की कुदरत से होगा, क्योंकि जन्नत ख्वाहिशात की तकमील की जगह है। जो लोग दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान करेंगे, जन्नत में खूब मजे से अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। दोस्तों, अब रहा ये सवाल कि जन्नत में बच्चे पैदा होंगे या नहीं, तो इस बारे में भी अकवाल मुख्तलिफ हैं। मुख्तसरन इस सवाल का जवाब भी आपको बताते हैं। बाज़ उलमाए कराम का कहना है कि अगर किसी बंदे की जन्नत में ये ख्वाहिश हुई कि उसकी औलाद हो, तो अल्लाह ताला उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी फरमाएगा, और इस बारे में उन्होंने तिर्मिजी की रिवायत को दलील बनाया है, जिसके मुताबिक हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जन्नत में जब औलाद चाहेगा तो हमल, जचगी और परवरिश उसी वक्त हो जाएगी जैसे वो चाहेगा। हदीस के अल्फाज ये हैं, हमल, जचगी और परवरिश यानी हमल ठहरना, मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जचगी और इसके बाद 33 साल कड़ियल नौजवान हो जाएगा जैसे वो चाहेगा, यानी इसे लड़का चाहिए या लड़की, जो चाहेगा वही होगा। दोस्तों, याद रहे कि बहुत से अहले इल्म इसी मौकफ के कायल हैं, जबकि दीगर कुछ अहले इल्म का कहना है कि जन्नत में जमा तो होगा लेकिन इसकी वजह से औलाद नहीं होगी। चुनाचे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं, अबू रज़ीन अकीली से रिवायत किया गया है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जन्नतियों के हाँ औलाद नहीं होगी। इस हदीस की तरफ इमाम बुखारी ने इशारा किया है और इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने अबू रज़ीन अकीली रजी अल्लाह ताला अन्हों से एक लंबी हदीस में जिक्र किया है, और मुस्नद अहमद में ये भी इजाफा है कि नेक मर्द व ख़वातीन जन्नत में ऐसे ही लज्जत पाएंगे जैसे तुम दुनिया में लज्जत पाते हो, और वो तुमसे लज्जत हासिल करती हैं लेकिन वहाँ औलाद नहीं होगी। दोस्तों, इस हदीस में विलादत न होने की बिल्कुल वाज़ह सराहत है, लेकिन इसकी सही होने में इख्तिलाफ है। इसी तरह से इमाम इसहाक रहमहुल्लाह के फरमान, अगर कोई मोमिन जन्नत में औलाद चाहेगा तो उसी वक्त हो जाएगी जैसे वो चाहेगा, के मुतालिक कहते हैं मोमिन को औलाद की चाहत ही नहीं होगी। इब्न कईम रहमहुल्लाह ने बहुत सी ऐसी वजूहात जिक्र की हैं कि जिनकी वजह से ये बात राजह करार पाती है कि जन्नत में विलादत नहीं होगी। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी का कोई वजीफ़ा या मौजू लेकर आएँ, तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में करें, और आपसे